हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, लीब्रा कैल्क सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। और आज का ये वीडियो है लीब्रा कैल्क का। ये सिलेक्टेड रेंज देख रहे हैं, इसमें नेम बार बार रिपीट हो रहे हैं और यहाँ पर हमको डुप्लीकेट वैल्यू छांटनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं छांटना है इसको। क्या करना क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हम इसे हाईलाइट कर देना चाहते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि डुप्लीकेट वैल्यूज कौन कौन सी हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ होती है, ये लीब्रा कैल्क खुला हुआ है। यहाँ पर देखिए साइड में लिखा हुआ है कंडीशनल, बस इसी ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कंडीशन, क्लिक कर दीजिए कंडीशन पर। अब ये क्लिक करते ही यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा अप्लाई स्टाइल, ठीक है। अब आपको अप्लाई स्टाइल पे चले जाना है। यहाँ पर हम न्यू स्टाइल बना रहे हैं तो यहाँ पर न्यू स्टाइल पर टिक कर दीजिए, इसी को चूज कर लीजिए। तो एक नई विंडो आती है सेल स्टाइल की। अब देख लीजिए यहाँ पे नाम हम क्या देना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश, ये देख लीजिए कि नाम क्या देना है। तो जैसे मान लीजिए नाम मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, आप कंडीशन या कुछ इस तरह का नाम भी दे सकते हैं। तो ये सूरज लिख दिया मैंने। और अब चलते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड पर, क्या लगाना क्या चाहते हैं। बैकग्राउंड नहीं लगाना चाहते हम, बैकग्राउंड के थ्रू हाईलाइट करेंगे। तो कलर पे चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक कलर ले लेता हूँ हाईलाइट करने के लिए, हल्का कोई एक कलर ले लेते हैं यहाँ से, लाइक ये, ठीक है। तो ये मैं ले लेता हूँ और यहाँ से अब ओके प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। ये ओके किया, अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर इक्वल्स टू दिया हुआ है, तो इसको हमें चेंज करना है। देखिए बहुत सारी कंडीशंस इसमें दी गई हैं, हमें क्या लेना है इज डुप्लीकेट, डुप्लीकेट है कि नहीं है। तो इज डुप्लीकेट चूज करके और यहाँ से बस आपको ओके प्रेस करना है। ये ओके प्रेस करेंगे तो ये आपको डुप्लीकेट वैल्यूज के बारे में बताएगा। देखिए इसमें राम डुप्लीकेट है कि नहीं, दो बार राम आया हुआ है, देख सकते हैं आया हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए श्याम डुप्लीकेट है या नहीं, श्याम दो बार आया हुआ है। फिर राजू भी डुप्लीकेट है, सारे नाम डुप्लीकेट है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई एक नेम हटा देता हूँ, उसकी जगह कोई दूसरा नेम लिख देता हूँ, लाइक यहाँ पे कर देता हूँ वसीम, एक नेम हटा दिया और यहाँ पे एक नेम ऐड कर दिया, तो वसीम और श्याम ये दोनों जो दो नेम हैं ये डुप्लीकेट सब नहीं रहे, ठीक है। इसी तरह से इसको हटाता हूँ, सुमन भी दो टाइम रिपीट हुआ है तो इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ सुयश, ठीक है। तो ये नेम जो है अब ये डुप्लीकेट नहीं रहेगा, देखिए ये डुप्लीकेट नहीं रहा। तो इस तरीके से करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से आसानी के साथ डुप्लीकेट छांट सकते हैं आप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।